सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। भाग्य में विश्वास रखने के बजाय अपने शक्ति और कर्म में विश्वास रखना चाहिए। अपने अंदर का बचपना हमेशा जिंदा रखो, क्योंकि ज्यादा समझदारी लाइफ को बोरिंग बना देती है। रात जितनी अंधेरी होगी सितारे उतने रोशन होंगे। जिंदगी में मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उनमें से हंसकर बाहर आना आर्ट ऑफ लाइफ है। आज का पंचांग 21 दिसंबर 2021 दिन मंगलवार, पौष मास के कृष्ण पक्ष के द्वितीय तिथि दोपहर 2:54 तक रहेगी। इसके उपरांत तृतीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पुनर्वसु नामक नक्षत्र रात्रि 10:25 तक रहेगी। इसके उपरांत पुष्य नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 3:03 से 4:22 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:03 से 12:46 तक रहेगा। आज चंद्रमा मिथुन राशि पर दोपहर 3:46 तक रहेगी। इसके उपरांत कर्क राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य धनु राशि पर रहेंगी। सिंह राशि 21 दिसंबर 2021 दिन मंगलवार, यह सोचने और जानने के लिए कि आप अपने जीवन से क्या चाहते हैं एकांत में बैठें। पिछले कई दिन काफी व्यस्त रहे हैं, इसलिए आपको अपने उद्देश्यों का फिर से मूल्यांकन करना है और यह भी देखना है कि आपके काम किस प्रकार आपके जीवन और संबंधों को प्रभावित कर रही है या तो संभावित है। हालांकि हमारा सुझाव यह है कि किसी रोमांचक ताबड़तोड़ यात्रा के स्थान पर शांतिपूर्वक अपनी छुट्टियां बिताएं। अपने कामों से संबंधित नीतियों पर सोच विचार करके और सुधार लाने का प्रयास करें। आपको अवश्य ही सकारात्मक परिणाम हासिल होंगे। किसी प्रिय मित्र से मुलाकात आपको खुशी देगी। वक्त के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने से आपके व्यक्तित्व में भी निखार आएगा। काम से संबंधित बातों के लिए दिन महत्वपूर्ण है, लेकिन व्यक्तिगत कामों में बाधाएं आ सकती है। किसी व्यक्ति की नाराजगी बढ़ सकती है, इस कारण मानसिक तनाव महसूस हो सकता है। हर एक बात पर सोच विचार करके ही आगे बढ़ें। मार्केटिंग क्षेत्र से जुड़े लोगों को काम की गति बढ़ने की आवश्यकता होगी। लव रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव बना रहेगा, लेकिन तनाव वाली कोई स्थिति नहीं होगी। यूरिन संबंधित तकलीफ भी उत्पन्न हो सकती है। सावधानियां, माता पिता अथवा किसी वरिष्ठ व्यक्ति के आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचाए, इस समय अपनी मनोवृत्ति को सकारात्मक बनाकर रखने की जरूरत है। विद्यार्थियों को किसी प्रोजेक्ट में विफलता मिलने से उनका आत्मबल कमजोर हो सकता है, ध्यान रखें। बात करते हैं लव लाइफ की। आज आप प्यार में आक्रामक हो सकते हैं। आप ये सुनिश्चित करें कि आप अपने अहंकार को दूर करने का प्रयास करें ताकि आप अपने संबंधों का पूरा आनंद ले सकें। हालांकि आपके साथी को आपका ये नया रूप पसंद आएगा और आपके नए आत्मविश्वास के संचार का आनंद भी आएगा। सुनिश्चित करें कि इस अवसर का आप लाभ उठाएं और इस समय का आनंद लें। बात करते हैं करियर की। आज आप सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए हैं और आज आपके हैरान होने की संभावना है, क्योंकि आपके संबंध कौशल की वजह से आप पाएंगे कि आपने कितना कुछ पाया है। आपके सारे बकाया कार्य पूर्ण हो जाएंगे। परियोजनाओं के रास्ते में जो रुकावट थी वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। आप न केवल आसानी से अपने सभी कार्यों का बोझ खत्म करने में सक्षम होंगे बल्कि अपने उत्साह के साथ आप आसपास हर किसी को प्रभावित करने में भी सक्षम रहेंगे। बात करते हैं सेहत की। आज आप ऊर्जा से भरे और बिल्कुल तनाव रहित महसूस कर रहे हैं। आप अपने आसपास सबसे अलग दिखेंगे और लोग आपका सकारात्मकता और जोश से भरा हुआ व्यवहार खूब नोट करेंगे। सक्रिय दिमाग के साथ साथ आज आपका शरीर भी खूब स्वस्थ है। खेलों से जुड़े और एथलीटों के लिए आज का दिन
खास है क्योंकि सफलता की संभावना काफी अधिक है। आज का उपाय, आज आप हनुमान चालीसा का आप पाठ करें अति शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।